कार पे इस रोशन दिन पर हिंदू बिरादरी को, सिख बिरादरी को, और जहाँ जहाँ दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है, मैं सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ। अ वेरी हैप्पी दिवाली। अभी जब हमने ये दिया जलाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे जब हम अपने कौमी तराने के लिए खड़े हुए तो सब खड़े हुए, हिंदू भी हैं यहाँ पर, यहाँ पर हमारे सिख भाई बहन भी हैं, जब सब खड़े हुए तो मुझे लगा कि हम किसी तफरीक के बगैर हम पाकिस्तानी हैं। और ये जो चिराग जलता है, इसमें ये मोहब्बत का चिराग है, ये रोशनी का चिराग है, ये दिलों को जोड़ने का चिराग है, ये दिलों को करीब लाने का चिराग है। और बहुत माशाल्लाह तैयार होके सब आए हुए हैं। किसी ने पगड़ी पग पाई हुई है, किसी ने पगड़ी पहनी हुई है, किसी ने ये घाघरा पहना हुआ है, चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। साहब सब बहुत अच्छे लग रहे हो, और ये इतने जो रंग आपने बखेरे हुए हैं, ये पाकिस्तान में, ये खसूसन पंजाब में, मैं ये जब रंग देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। और यही चीज़ें पाकिस्तान को मजबूत बनाती हैं, डाइवर्स बनाती हैं। जब पाकिस्तान के अंदर कोई हमारी जो अकलियती बरादरी है, मेरे वालिद हमेशा, बिल्कुल सही कहा अरोड़ा साहब ने, कि मैं बचपन से अपने वालिद से ये सुनती आई हूँ कि इनको अकलियत मत कहो। ये बिल्कुल सच बात है। और ये कोई सियासी तकरीर में वो मुझे नहीं कहते थे, ये वो मुझे घर पे भी कहते थे कि आप इनको अकलियत मत कहो, आप इनको माइनॉरिटीज़ मत कहो, ये हमारा हिस्सा है, हमारी प्राइड है। और जैसे मैंने अपनी पहली तकरीर में, जब मैं चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हुई तो उस तकरीर में मैंने जब बात की तो मैंने कहा कि अकलियतें, माइनॉरिटीज़ हमारे सर का ताज हैं। तो आप ये देखें कि वो जो सर का ताज है उसको मैंने पहना है, चाहे वो क्रिसमस की तकरीब हो, अब पहली क्रिसमस आएगी, चाहे वो ईस्टर की तकरीब हो, या वो बाबा गुरु नानक का जन्मदिन हो, या वो गंदम की कटाई हो, या फिर वो आपके कोई भी त्यौहार हो, दिवाली हो, हम मैंने वो आपके साथ मिल के दिल से मनाई है। वो मैं जब मरियमाबाद गई ईस्टर पे, हमने केक काटा, और मैं अपने जो क्रिश्चियन भाई और बहन है उनके साथ जब मैं गई उनके पास, तो मुझे ये उन्होंने ये बताया, मरियमाबाद जो है वो वहाँ पर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो उनकी आबादी है। तो मुझे वहाँ पर लोगों ने कहा कि किसी भी चीफ मिनिस्टर की यहाँ पर 127 साल में कभी कोई चीफ मिनिस्टर नहीं आया। तो मुझे खुशी भी हुई कि चलें इसका आगाज़ हुआ है, और इंशाल्लाह ताला आप मुझे कभी भी इसमें पीछे नहीं पाएंगे। मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, मेरे प्लान में किसी चीज़ की कोई तफरीक नहीं है। और मैं आज ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई, हम रोज़ इस चीज़ के साथ, मैं एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पंजाब, मैं जो आपके लिए जहाँ जहाँ पर कोई प्रॉब्लम आती है मैं उसको उसको डील करती हूँ, हम जहाँ पर कोई झगड़ा हो जाता है, कोई लड़ाई हो जाती है, जहाँ पे ये अंदेशा होता है, ये ख़तरा होता है कि कोई नुकसान पहुंच सकता है, तो हम वहाँ पर मेरी पूरी तवज्जो होती है। पुलिस को इंस्ट्रक्शंस हैं कि वहाँ पर कहीं अगर ख़तरा है, ऐसा है, कोई मॉब वायलेंस का ख़तरा है, कोई इस तरह की किसी की ज़िंदगी को अकलियती मेंबर्स में से ख़तरा है, तो हम फ़ौरन उनकी मदद के लिए पहुँचते हैं और उनको हम सेफ्टी तक लेके जाते हैं। लेकिन अगर कोई, क्योंकि यहाँ मुसलमान जो हैं वो अक्सरियत में हैं, अगर कोई ये समझता है कि वो माइनॉरिटी के किसी मेंबर को, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, या वो पारसी हो, या वो कोई भी हो, कोई भी मेंबर हो माइनॉरिटी का, अगर कोई ये समझता है कि वो उसको तकलीफ़ पहुंचाकर, उसके लिए मुश्किल पैदा करके,
कोई दीन की खिदमत कर रहा है तो वो नहायत गलत सोचता है। उसकी वजह ये है, मैं आपको एक हदीस पढ़ के सुनाती हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़े फरमान है, हदीस है, और ये अभी दाऊद की जो हदीस है, मैं बिल्कुल आपको पढ़ के सुनाती हूँ, आप उससे अंदाज़ा लगाएं कि हमारे मज़हब में अकलियतों का कितना न सिर्फ एहतराम है बल्कि उनको उनकी सेफ्टी का, उनकी सिक्योरिटी का, उनकी आज़ादी का, उनकी फ्रीडम का कितना दर्स दिया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार जिस किसी ने किसी मुआहिद यानी कि अकलियती फ़र्द पर जुल्म किया या उसका हक गस्प किया या उसको तकलीफ़ दी या उसकी रज़ा के बग़ैर उससे कोई चीज़ ली, तो बरोज़े क़यामत मैं उसकी तरफ से झगड़ूंगा। इसका मतलब क्या है कि मैं उसकी तरफ हूँ, मैं उसका मुकदमा लड़ूंगा। इससे बड़ी और क्या एक गाइडलाइन हो सकती है, इससे बड़ा हुक्म क्या हो सकता है, इससे बढ़कर जो अकलियतों का तहफ़ है, उनका एहतराम है, उसकी ज़मानत इससे बढ़ के और क्या हो सकती है। और मुझे ये भी बिल्कुल ठीक कहा कि नवाज़ शरीफ साहब ने अपने दौरे हुकूमत में जो दिवाली का त्यौहार भी मनाया, बाकी त्यौहार भी अकलियतों के साथ उन्होंने मनाया, उन्होंने कहा कि जो रब्बुल आलमीन है वो सिर्फ रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, वो रब्बुल आलमीन है, तमाम जहानों का, तमाम इंसानों का वो रब है, तमाम मखलूक का रब है, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तफरीक नहीं है। और मैं आज नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी आप सबको हैप्पी दिवाली भी कहती हूँ, आपको दिवाली की मुबारकबाद भी देती हूँ। वो अभी मुल्क से बाहर हैं, वरना मेरी कोशिश होती कि मैं उनको भी इस तकरीब में वो आते, वो चीफ गेस्ट बनते, लेकिन थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। और मैं आज आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि ये 1400 ख़ानदानों को ये जो ईदी हम दे रहे हैं दिवाली के त्यौहार पे, एक छोटा सा तोहफ़ा है 15,000 रुपये का 1400 ख़ानदानों को जो दे रहे हैं, ये बहुत कम है, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये एहसास दिलाना चाहती हूँ, आपको ये ओनरशिप देना चाहती हूँ कि आप मेरा हिस्सा हैं, आप मेरे लिए उतने ही मोहतरम हैं, उतने ही मुझे अजीज़ हैं, मुझे आपसे उतना ही प्यार है जैसे मुझे किसी और से है, पंजाब के हर फर्द से है। और आज मैं यहाँ पर ये ऐलान भी करने जा रही हूँ, बहुत खुश आइंद बात है, मेरा दिल मेरी रूह इस ऐलान में शामिल है, इस पे हमने बहुत मेहनत की है, जो हमारे अरोरा साहब हैं वो इस बात के गवाह हैं कि कितने शौक़ से, कितनी लगन से हमने माइनॉरिटी कार्ड जो है वो बनाया है, उसमें इंशाल्लाह ताला दिसंबर से, मैंने आज इनको 20 दिसंबर की डेडलाइन दी है, आपके इधर आने से पहले मैं मीटिंग ले रही थी ऊपर, मैंने इनको 20 दिसंबर को ये कहा है कि उस माइनॉरिटी कार्ड को हमें लॉन्च करना है, जिसमें माइनॉरिटी कार्ड में जो भी अकलियतें हैं अक्रॉस पंजाब और जो नादार मेंबर्स हैं अकलियत के, जिनके पास माली वसाइल ज़्यादा नहीं हैं, उनको हम माइनॉरिटी कार्ड देने जा रहे हैं, जो 3 महीने में उनको 10,500 रुपया उस कार्ड के थ्रू मिलेगा। और हम तकरीबन 50,000 अफराद से पंजाब में ये शुरू करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला अगले माली साल में ना सिर्फ हम बेनिफिशरीज़ की तादाद, कार्ड्स की तादाद, फैमिलीज़ की तादाद को बढ़ाएंगे, बल्कि इस 10,500 के अमाउंट को भी बढ़ाएंगे। और आज मुझे अभी एक बुज़ुर्ग आए थे ईदी लेने के लिए मुझसे, जो देख नहीं सकते थे, जिनकी जो बसारत से महरूम थे, और एक थे जिनका, मैंने उनको पूछा, उनका हाथ नहीं है, तो मैंने उनको पूछा कि क्या हुआ है, उन्होंने कहा कि मेरा हाथ कट गया था,
आई थिंक किसान हैं वो, तो उनको उन दोनों के भी मैंने नंबर्स ले लिए. मैंने उनको हम इंशाल्लाह हिम्मत कार्ड में भी उनको जो स्पेशल पर्संस के लिए है उसमें भी उनका हम उनको हिम्मत कार्ड भी हम देंगे. और ज़्यादातर जो माइनॉरिटीज़ के हवाले से तकारीर होती हैं वो रटी रटाई तकारीर होती हैं, रटी रटाई स्टेटमेंट्स होती हैं, वो जो लिख के दे देते हैं वो पढ़ लेते हैं. लेकिन मैं समझती हूँ कि ये जो मैं अब हम कर रहे हैं ये वो अमली इकदामात हैं जो जिनकी स्टेटमेंट से आगे जाके, बयानात से आगे जाके जिनकी बहुत ज़रूरत थी. इसीलिए जब जन्मदिन था बाबा गुरु नानक का, मैं करतारपुर गई. वहाँ पर मैं जो सिख यात्री आए हुए थे मैं उनसे मिली, मैंने उनके साथ ज़मीन पे बैठ के उनका लंगर खाया. बहुत अच्छा खाना था उनका. और मैं जब वहाँ गई तो आप यकीन करें वो जो सिख यात्री हिंदुस्तान से आए हुए थे, उन सिख यात्रियों में से जो ख़वातीन थी उन्होंने मुझे ऐसे गले लगाया, मुझे प्यार किया जैसे वो हम बचपन से कहीं बिछड़े हुए हैं. तो इतना मुझे अच्छा लगा. और मैं जब उनके साथ बैठ के खाना खा रही थी, उनको मिल रही थी, तो उनके त्यौहार में उनके साथ शरीक थी, तो मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि हमारे दरमियान कोई फासला है या हमारे दरमियान कोई सरहद है या मेरी, मैं उनसे पहली बार मिल रही. मुझे ऐसे लगता था कि मैं उनको पता नहीं बरसों से, सदियों से जानती हूँ. उन्होंने जो प्यार मुझे दिया उसके लिए उन सब का भी शुक्रिया. और जब अरोड़ा साहब मिनिस्टर बने, पाकिस्तान की तारीख में पहले सिख मिनिस्टर थे, तो इंडियन पंजाब से, बल्कि जो इंडिया सिख पूरी दुनिया में है उनकी तरफ से मुझे इतनी अप्रिसिएशन, अक्नॉलेजमेंट और पैगामात मौसूल हुए कि मैं आपको बता नहीं सकती. और अब मैंने बात की है कि देखें आजकल पाकिस्तान में, पंजाब के अंदर खुसूसन लाहौर में इशू है स्मॉग का, तो ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है. मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर, जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको ख़त लिखूं कि ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है जिसके ऊपर अगर हम भी इकदाम उठा रहे हैं तो इंडियन साइड से भी मैचिंग रिस्पांस होना चाहिए, वही इकदाम होने चाहिए. क्योंकि हवाओं को तो नहीं पता कि बीच में लकीर है, तो वहाँ के लोगों की सेहत के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, हमारे साइड ऑफ द बॉर्डर की बेहतरी के लिए, उनकी सेहत के लिए, हमारे अवाम की सेहत के लिए, जब तक दोनों पंजाब मिलकर इकदाम नहीं करेंगे हम स्मॉग से लड़ नहीं सकते. और एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ कि जहाँ कहीं हम विजिलेंट हैं, पुलिस विजिलेंट है, एडमिनिस्ट्रेशंस विजिलेंट हैं, लेकिन जहाँ पर हमारे किसी भी अकलियती भाई बहन बुज़ुर्ग को, बच्चे को कोई भी मुश्किल आती है, तो हमने पैनिक बटन्स भी आपके लिए इंस्टॉल किए हैं. और कहीं कोई मुश्किल आती है आपने 15 पे फ़ोन करना है, 15 पे जो पुलिस की हेल्पलाइन है. और उनको मैंने ये इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि जो वर्चुअल पुलिस स्टेशन है ख़वातीन और बच्चों के लिए, उसमें आपने इंक्लूड करना है अकलीती बरादरी को भी, कि जब कहीं उनको ख़तरा महसूस हो वो फौरन कॉल करें और पुलिस उनकी हेल्प को पहुँचे. इसके साथ साथ हमने जो अकलीतों के लिए रिवायती तौर पे एक फ़ंड होता था, हमने उसको, मैंने उसको डबल कर दिया है और डबल भी थोड़ा है. और मैंने आज रमेश सिंह अरोड़ा साहब से बात की है, मैंने उनसे ये कहा है कि इसको जो अकलीती बरादरी के कब्रिस्तान हैं, उनकी इबादत गाहें हैं, उनके जो महल्ले हैं, उनको बेहतर करने के लिए इसको इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि उनको भी एहसास हो, ताकि उनको भी एहसास हो कि वो मेरे दिल में, मेरी उनकी वही जगह है जो पंजाब के बाकी 14 करोड़ अवाम की है. और
जब आप सब ने, माइनॉरिटीज़ के मेंबर्स ने, पाकिस्तान की तमीर में, पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा किया है, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस हों, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो पंजाब असेंबली हो या कोई भी सूबाई असेंबली हो, चाहे वो नेशनल पार्लियामेंट हो या वो ब्यूरोक्रेसी हो या वो जुडिशरी हो, हर जगह आपकी खिदमात हैं और आपने दिल से इस मुल्क को सर्व किया है। तो अगर आपने दिल से इस मुल्क को सर्व किया है तो आपकी भी, आपका भी उतना ही हक है, बल्कि ज़्यादा हक है जो किसी और इंसान का है। मैं माजी करीब में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं हमारी माइनॉरिटीज़ के साथ जिससे मेरा सर शर्म से झुक जाता है और जिससे मुझे दिली तकलीफ़ और दिली दुख होता है। मेरा दिल जो है वो तकलीफ़ में होता है जब मैं देखती हूँ कि कहीं किसी महल्ले में कोई गलत फहमी की बुनियाद पर या किसी भी तरह कोई ऐसी लड़ाई, झगड़ा, कोई फसाद हो जाता है। तो ये चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं है। मैं सबको ये कहना चाहती हूँ, मैं अपने जो तमाम लोगों को, इंक्लूडिंग जो मुसलमान हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि ये हमारा मुल्क है और माइनॉरिटीज़ क्योंकि कम हैं तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनको एक सेफ़ पाकिस्तान, एक सेफ़ पंजाब प्रोवाइड करें जहां वो भी अपने घरों में आराम से, चैन से, सुकून से, बिला किसी खौफ के वो अपने घरों में रहें और उनको लगे कि ये हमारा मुल्क है और यहां पर हमारी कदर है, हमारी परवाह है। क्योंकि ना, मेरी ये सिर्फ आइनी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये मेरी इंसानी ज़िम्मेदारी भी है, ये मेरी बतौर पाकिस्तानी भी एक ज़िम्मेदारी है। सिर्फ बतौर चीफ मिनिस्टर नहीं, एक बतौर एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी भी मेरी ज़िम्मेदारी है कि मेरे मुल्क में जो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं वो बिल्कुल महफूज अपने आप को तसव्वुर करें। और मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि इंशाल्लाह ताला जो जुल्म, खुदा न खास्ता अगर कोई जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई या कोई भी किसी ने कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की, आपको तकलीफ़ पहुंचाई, आपके लिए मुश्किल क्रिएट की, तो मरियम नवाज़ आपके साथ खड़ी होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह करे कि हम खुशियों से, अमन से, अमन के साथ, प्यार